सरफेस टेंशन के बाद आपका आता है कि वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं सरफेस टेंशन में, यानी कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि सरफेस टेंशन को, किसी भी लिक्विड की जो सरफेस टेंशन होती है उसको अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले इम्प्योरिटीज़ का इफेक्ट भी पड़ता है और टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ता है। इम्प्योरिटीज़ का इफेक्ट क्या होता है, एक्चुअली इम्प्योरिटीज़ का जो इफेक्ट होता है सरफेस टेंशन में, कि इम्प्योरिटीज़ ऐड करने पे सरफेस टेंशन बढ़ेगी या घटेगी, वो डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है, कंटेमिनेशन किस तरह का है, यानी कि जो भी आप मिलावट कर रहे हो, जो इम्प्योरिटी डाल रहे हो वो किस तरह के नेचर की है। अगर आपकी जो इम्प्योरिटी है वो हाईली सोल्यूबल है, यानी कि एकदम घुल जा रही है, जैसे कि वाटर के अंदर NaCl अगर आप डालते हो, सोडियम क्लोराइड, तो वो एकदम घुल जाता है। ठीक है, तो इस तरह के केस में क्या होता है, सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर आप कोई ऐसी इम्प्योरिटी डालते हो जो स्पैरिंगली सोल्यूबल, यानी कि बहुत कम सोल्यूबल है, जैसे कि वाटर में अगर आप फिनॉल डाल दो या फिर कोई ऑयल डाल देते हो, तो उस केस में सरफेस टेंशन क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, तो इम्प्योरिटी का जो प्रेजेंस है या इम्प्योरिटी का जो इफेक्ट है वो डिपेंड कर रहा है कि नेचर किस तरह का है। अगर सोल्यूबल है तो बढ़ाएगा, और अगर ज़्यादा सोल्यूबल नहीं है तो सरफेस टेंशन को घटा देता है। दूसरा आपका इफेक्ट है टेम्परेचर का। आपको पता है, अगर आप लिक्विड का केस लेते हो और लिक्विड के केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, थर्मल एनर्जी आ जाएगी मॉलिक्यूल्स में, यानी कि वो क्या होगा, उनकी एनर्जी पहले से बढ़ जाएगी। अब सरफेस टेंशन होती किस वजह से है, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस की वजह से ही होती है, जिसको हम वंडर वाल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो उस तरह के नेचर की होती है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, तो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस भी क्या हो रही है, बहुत बढ़ रही हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे अब वो पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, वो इक्विलिब्रियम इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो ज़्यादा रैपिडली या ज़्यादा स्पीड से पहले के कंपैरिजन में उनकी जो मोशन की या मूव करने की स्पीड है वो पहले से बढ़ जाएगी। दैट मीन्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सरफेस टेंशन क्या होती है, यहाँ पर डिक्रीज होती है। किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है, जो सरफेस टेंशन होगी उस लिक्विड की, अगर हम किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट तक का टेम्परेचर दे देते हैं, हीट सप्लाई दे कर देते हैं, तो उसकी जो सरफेस टेंशन वहाँ पर उस पॉइंट पर है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी लिक्विड के लिए वो टेम्परेचर होता है जिसमें वो लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर आप उसका बढ़ाते हो, अगर इससे ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करते हो, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और उससे वो लिक्विड फॉर्म को छोड़ के वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी भी लिक्विड के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, जहाँ तक वो लिक्विड की फॉर्म में रह सकता है। तो अगर आप किसी लिक्विड को जो हीट एनर्जी है या उसका टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले जाते हो, तो वहां पे सरफेस टेंशन पूरी तरह से खत्म हो जाती है, वैनिश कर जाएगी। ठीक है, तो ये इफेक्ट होते हैं आपके टेम्परेचर के और इम्प्योरिटीज जो आप उसमें ऐड कर रहे हो। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं अगर हम डेली लाइफ में देखें सरफेस टेंशन की। सॉप होता है, ये डिटर्जेंट्स होते हैं, जब उनको हम पानी में घोलते हैं तो उससे जो लिक्विड बनता है उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो काफ़ी लो होता है। सरफेस टेंशन क्या करता है, सरफेस एरिया को कम से कम कवर करने की कोशिश करता है। अगर सरफेस टेंशन किसी लिक्विड का लो हो जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस पे फैल सकता है। ठीक है, तो जो सॉप सॉल्यूशंस होते हैं उनका जो सरफेस टेंशन होता है वो लो होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा एरिया में फैल जाते हैं। जैसे कपड़े धोने के लिए हम यूज़ करते हैं तो वो पूरा फैल जाता है, या हैंड वॉश करते हैं तो सारे में क्या होता है, बबल्स बन जाते हैं, वो फैल जाता है। तो क्यों फैलता है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, लो होता है। ठीक है, ऑयल है, जैसे केरोसिन ऑयल है, अगर आप उसको छिड़को पानी के ऊपर तो वो एकदम से ऐसे फैल जाता है। क्यों, क्योंकि जो ऑयल है उसका सरफेस टेंशन क्या है, कम है, और पानी का सरफेस टेंशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा लुब्रिकेंट्स होते हैं या पेंट्स होते हैं, जैसे आप डोर पे पेंट कर रहे हो कोई, तो वो क्या करता है, एकदम से फैलता है, तो इसका मतलब उसका भी क्या होता है, सरफेस टेंशन कम होता है, तभी वो उस पर क्या कर सकता है, फैल सकता है। ठीक, एंटीसेप्टिक्स होते हैं, जैसे कि डेटॉल है आपका, सेवलॉन है, ये क्या होता है, हम घाव पे लगाते हैं, चोट पे लगाते हैं, तो वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ईजिली स्प्रेड हो जाता है, पूरे एरिए को ईजिली क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, क्योंकि इसका सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता है।
ठीक है, स्टॉर्मी वेव्स, अगर कभी सी में तूफान आता है तो उसको शांत करने के लिए अगर हम सी वाटर में ऑयल डाल दें तो उससे क्या होगा, उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं यहाँ पर स्टॉर्मी वेव्स को यूज़ करने को कम करने के लिए हम अगर ऑयल पोर कर दें तो वहाँ पर हम स्टॉर्म, जो भी तूफान आ रहा है, उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है आपकी सरफेस टेंशन की एप्लीकेशंस हैं।